रिजल्ट कैसा आया? कभी अपनी बेटी से जाके पूछा है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं? बढ़िया है, चलिए मेरा रिजल्ट पूछने के लिए। मेरे माँ बाप को तो टेंशन है नहीं है, पता नहीं नानी को टेंशन क्यों रहती है। आप मुझे आज ये बता दीजिए कि आपको करना क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको मेरे भड़के हुए माँ बाप को और भड़काना है क्या? अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। क्या डीएम है आप? आप मेरी जॉब लगवाएंगे जो मैं आपको अपने मार्क्स बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स आए हुए हैं? अरे बहन जी, इसको तो गुस्सा आ रहा है। आज आप बता दीजिए कि आपका एजेंडा क्या है, आप करना क्या चाहती हैं? आप ही बता दीजिए ना मुझे, आपके कितने मार्क्स आए हैं 10th 12th डिग्री में? और बेटा आपके मार्क्स कितने आए हैं? अभी तो लास्ट मंथ ही आंटी जी मेरा एग्जाम हुआ था ना, तो रिजल्ट आने में तो पूरा 1 month बाकी है। सेकंड क्लास आई हूँ आंटी जी, 68% से 2% से फर्स्ट क्लास में रह गई मैं। बेटा अगली बार से ना तुम पूरी जी जल लगा के मेहनत करना, ठीक है ना? जी हाँ आंटी, अगली बार मैं और मेहनत करूँगी, फर्स्ट लाऊंगी फर्स्ट। चलो कोई नहीं बेटा, ये तो फाइनल्स नहीं था, अगर फाइनल्स आए थे ना तो डिस्टेंशन जरूर लाना, ठीक है ना? नहीं नहीं आंटी जी, फाइनल में तो लाना ही है ना, पूरा फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है। तो बेटा कोई जॉब लग गई कि नहीं लगी अभी? जी हाँ आंटी जी, अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ। सैलरी कितनी कमा लेती हूँ? अच्छा सैलरी, ओह सैलरी, अभी बताती हूँ मैं आपको कितनी सैलरी है मेरी। सैलरी तो आप छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए, बताइए। नहीं नहीं बताइए, बोलिए बताइए, कितनी सैलरी चाहिए आपको मेरी? जरूरत क्या है आपको मेरी सैलरी का? आप बताइए ना, मैं अभी लिख के देती हूँ कितना चाहिए आपको। बेटा बेटा रख देना चेक साइड में यार, बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। अभी ना चेक काट के देती हूँ मैं आपको। अरे बेटा क्या है ना कि जनरल टॉपिक है बात, इस वजह से पूछ ले रहा हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, बता दीजिए ना कितनी चाहिए आपको, आई इंसिस्ट, मैं आपको दूंगी ना आंटी, प्लीज बता दीजिए अब आप। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं बोला है। अब बता दीजिए ना, आपको इतना ही इंटरेस्ट है दूसरों की सैलरी जाने में, तो आपको करना क्या है? आप कोई एनजीओ चलाती हैं क्या जो आपको एनजीओ में इन्वेस्ट करना है? आई वुड लाइक टू डोनेट फॉर योर एनजीओ। अरे प्लीज टेल मी ना आंटी, हाउ कैन आई हेल्प यू आंटी, प्लीज। मम्मी पापा, क्या आपने कर्जा लिया था इन आंटी से? ये बताइए कि आपको मेरी सैलरी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, आज आप बता ही दीजिए मुझे। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपना सर फोड़ लूं या आपका सर फोड़ दूं, तो आप ही बता दीजिए ना। आंटी आज आप मेरा अकाउंट नंबर ले ही लीजिए, 006421। अरे नहीं नहीं बेटा, अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं बेटा। अरे बेटा पागल हो गए हो, बिल्कुल शांत बेटा, शांत। डिटेल बता रही हूँ क्योंकि आपको इतनी दूर से आना पड़ेगा अकाउंट डिटेल लेने के लिए, सबकी सैलरी जानने के लिए, इसमें सोचा इसलिए आपको बता ही देती हूँ। जब आपके पास मेरी अकाउंट डिटेल्स होंगी तो मेरी सैलरी डेबिट हो या क्रेडिट हो आपको पता चल जाएगा ना। ये फालतू ना यहाँ आके नाश्ता करके अपना पेट्रोल खर्च करके यहाँ आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना आंटी जी। अरे बेटा अच्छा अच्छा, अरे बहन जी अब चलते हैं। बेटा ऑफिस कैसा है आपका, सैलरी कितनी कमा लेते हो? एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड, तो सैलरी तो उतनी नहीं है, बट डेफिनेटली इंक्रीज। एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि सबके सामने सैलरी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, है ना मम्मी? 18,000 है ना आंटी, अब ऐसे स्टार्ट में तो इतना ही मिलता है। नहीं आंटी ऑफिस तो अच्छा है और सैलरी भी बढ़ ही जाएगी। अच्छी बना लेती हूँ तुम, जी बताओ तुम मुझे शादी कब कर रही हो? शादी? आंटी शादी? शादी? मेरी शादी हो चुकी है, मे बी यू आर नॉट इनवाइटेड। आंटी आपका तो कट गया, बचपन से वेट की थी तो गलत हो गया ना। मैं तो हनीमून पे भी होके आई, आई एम फीलिंग बैड आंटी, बट सीरियसली मैं आपको अपने बच्चों की मैरिज जरूर इनवाइट करूंगी। और बेटा शादी कब कर रहे हो? जॉब शुरू करा है, शादी का तो बहुत टाइम है, थोड़ी सेविंग कर लूं। और ना आंटी देखिए, माही की
की भी शादी भी बाकी है तो सोच रही उसकी भी हो ही जाए। अभी तो बहुत लोग बाकी है, बाद में कर लूँगी ना आंटी जी। माँ ही की तो होती रहेगी, तुम तो अपना तो देखो। नहीं नहीं आंटी, अभी 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं ना, अभी तो कैरियर पे भी फोकस करना है। और बेटा शादी कब कर रहे हो? जी आंटी जी मैं तो पैदा ही हुई थी शादी करने के लिए, देख सकते हैं आप, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। मम्मा मैं आंटी जी के साथ जा रही हूँ। अरे चलिए ना जल्दी जल्दी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, टाइम ही वैसे हो रहा है, मेरा 2 बजे देख के भाग जाएगा नहीं तो। अरे आप तो ऐसे आंटी, पंडित पंडित तो मैंने सब आपका नहीं लूंगी ना। आप समझाइए ना इसको, क्या हो गया इसको? मैं तो कब से आंटी का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि आंटी कब आए, मैं उनके साथ कब जाऊँ, मुझे शादी के लिए बड़ी जल्दी है। Hey guys, hope you like my video. ये मेरा फर्स्ट वीडियो था आपको हंसाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके गाइस, तो बाय बाय।